नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका एक और नए यूनिक्स लाइव के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज का वीडियो मेरे बाकी सारे वीडियो से अलग रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जो कॉन्टेस्ट चल रहा था उस पे। तो वो कॉन्टेस्ट क्या था मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने मेरे सब्सक्राइबर्स को कहा था कि आप लोगों को करनी है ड्रॉइंग, जो कि है स्टंबल गाइस के वूफर स्किन की। साथ ही में आप और कुछ भी फनी कर सकते हैं। आप में से कोई दो लोगों को, यानी कि आपकी बनाई हुई ड्रॉइंग में से कोई दो लोगों को 500 यानी कि 1000 जेम्स का प्राइज मिलेगा। उन दोनों में से एक होगा जिसकी सबसे फनी ड्राइंग होगी, एंड एक होगा जिसकी ड्राइंग सबसे बेस्ट परफेक्ट रहेगी। सो आओ फटाफट से रिएक्ट करते हैं, रेट करते हैं, एंड विनर्स डिसाइड करते हैं इस ड्राइंग कॉन्टेस्ट के। फिलहाल इस वाले कॉम्पिटिशन में सबमिशन 15 से 20 आए हैं, तो हम सब ड्रॉइंग्स को रिएक्ट करेंगे। एंड कुछ तो इतनी वाही यार ड्रॉइंग्स हैं, इतनी टट्टी ड्रॉइंग, किसी किसी ने तो स्क्रीनशॉट ही चेप दिया है। ले भाई स्क्रीनशॉट ले, ये ड्राइंग है। अबे भाई समझ में आता है वो स्क्रीनशॉट है। सबसे पहली ड्राइंग जो कि बनाई है इट्स ओजी अयान ने, बिग शाउट आउट भाई आपको, लेकिन स्मॉल शाउट आउट। ये क्या ड्राइंग है, ये क्या ड्राइंग है ब्रदर, मतलब इससे अच्छी ड्राइंग तो एक 2 साल का बच्चा बना लेता है। मतलब भाई ने जैसे ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला ना, आओ देखा ना ताओ देखा, गूगल पे सर्च किया वूफर क्या होता है, गूगल ने जो इमेज दिखाया वही इमेज वूफर का बना लिया इसने, वही इमेज। ब्रदर व्हाट इज दिस, आपको शरीर भी बनाना होता है सिर्फ फेस नहीं बनाने, और फेस का कलर भी आपने सही से डाला नहीं है इस वूफर का, व्हाट इज दिस ब्रो। आपकी ड्रॉइंग को चलो मैं अपने आपने पास में क्या लिखा, यूनिक्स फैन एस जी ए के स्टंबल गाइस बाय अयान। अयान ब्रो ये जो कुत्ते की ड्राइंग बनाई है आपने, टू बी ऑनेस्ट आथू, इसको मैं रेट करूंगा। आपने मेहनत तो की है, देखो थोड़े बहुत फीचर्स इधर उधर हो गए, लेकिन चलो आपकी ड्राइंग को हम रेट करेंगे बहुत ज्यादा अच्छा, जो कि रहेगा 4 out of 10। अगली ड्राइंग आती है लेवेंडर की, हमारे पंच भाई साहब की, जिनका अभी डिस्कॉर्ड पे यूजर नेम पंच है, लेकिन जितना जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते पंच भाई का यूजर नेम चेंज होता रहता है, यानी कि लेवेंडर भाई को। तो चलो इन्होंने ड्राइंग बनाई है, इन्होंने ड्राइंग नहीं एक्चुअली ये डायग्राम बनाया है, इसमें मैं देखूं जरा आपको देख के बताऊं जरा, ये इन्होंने डायग्राम बनाया, मतलब ड्राइंग बनाई फिर उसमें एक एक चीज को पॉइंट आउट करके लिखा है। भाई ये साइंस नहीं है, दिस इज ड्राइंग सब्जेक्ट भाई, और यहाँ पर कोई साइंटिफिक मुझे कोई लॉजिकल सोल्यूशन नहीं चाहिए किसी चीज का। चलो कोई नहीं, यहाँ पर इनके मार्क्स कट होएंगे थोड़े बहुत, लेकिन आगे देखते हैं वूफर, वूफर के ऊपर ध्यान देते हैं जो कि सबसे मेन बात है। वूफर की ड्राइंग इन्होंने बढ़िया बनाई है, एंड वूफर को हम इनका ठीक ठीक कह सकते हैं। इसका मुंह वेट वेट, इसका वूफर बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके राइट साइड पे इधर डेंट किसने मारा है, इसने ऊपर मेरी पीएफपी बनाई है जिस पे इसने मेरे बालों को लिखा है छपरी हेयर, सही बात है। बैनर, इसने मेरा पूरा यूट्यूब चैनल देखा, मेरे सारे थंबनेल्स देखे, मेरे सारे वीडियो शॉर्ट्स लाइव स्ट्रीम कम्युनिटी पोस्ट सब देखा। इसको सबसे इजी चीज जो मिली ना वही इसने बनाई, बैनर, क्योंकि पीएफपी तो इससे घंटा नहीं बन रही, ठीक है। बैनर इसने बनाया जिसमें मेरा एक हार्ट लगा हुआ है, अभी भी आप जाके चेक कर सकते हो, वही इसने बनाया है। अच्छा दाढ़ी भी बनाई है इसने मेरी ब्रो, माय दाढ़ी इज टू डीप इट इज, एंड तूने क्या बनाया ये, आई डोंट लुक लाइक अ हिंदू इन दिस। इसके बाकी सारी आसपास की चीजों को हटा के सिर्फ और सिर्फ रेट करते हैं हम वूफर को। वूफर इसने जो बनाया है मेहनत तो की है लॉन्डे ने, 7 out of 10 इसको रेट कर लेते हैं। जी हाँ लेवेंडर की ड्राइंग को, ये फनी वाले सेक्शन में आगे जाती है ये ड्राइंग। अगली ड्राइंग आती है तेजस भाई की। अब तेजस भाई ने 2 ड्राइंग्स बनाई है, मतलब ड्राइंग एक ही है, एक में उन्होंने सिर्फ स्केच किया है और दूसरे में उन्होंने हक दिया है। जी हाँ उन्होंने कलर भर दिया उसमें, तो हम स्केच वाली को कंसीडर करेंगे। एंड वूफर ड्राइंग यूनिक्स लाइव बल्ले बल्ले, ओके यहाँ पर बल्ले बल्ले वूफर भी कर रहा है, उन्होंने वूफर बहुत ही परफेक्ट नहीं बनाया। वेट 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 वेट, आई गॉट अ पॉइंट, आई गॉट अ पॉइंट। बेल्ट देखो वूफर का, बेल्ट के लेफ्ट साइड देखो वूफर के, राइट साइड में बेल्ट बड़ा मोटा है, लेफ्ट साइड में बेल्ट बेल्ट नहीं नाड़ा बन जाता है। ड्रॉइंग ओवरऑल इट इज टू गुड, आई विल गिव इट 8 out of 10 इन्हें यहाँ मिलेंगे। ये आगे जा रही है परफेक्ट ड्रॉइंग के कॉन्टेस्ट में। अगली आती है ब्लैंक की ड्रॉइंग, जो कि ये परफेक्ट ड्रॉइंग और फनीएस्ट ड्रॉइंग दोनों में आगे नहीं जा रही है। चलो इसको फनी वाली में आगे कर देते हैं ब्लैंक की ड्रॉइंग को, लेकिन ये ड्रॉइंग नहीं कहलाएगी ना, तो यार जी नहीं इसको आगे नहीं कर सकते। अगली ड्रॉइंग आती है अरहा प्रो की, ओके अगली ड्राइंग आती है अरहा प्रो की, इन्होंने बहुत, ओ
डैम मेहनत तो की है भाई ने मेहनत तो की है एकदम, मतलब कह सकते हैं इन्होंने मेरी टीएफपी बनाई है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। व्हाइट बैकग्राउंड नहीं रख सकते थे, इन्होंने येलो बनाया है जो कि बढ़िया डिटेलिंग के साथ बनाया है। एंड वूफर की बात पे आ जाए यार, वूफर क्या शानदार लग रहा है, इसने लेजेंडरी में बनाया है, लेकिन यहाँ पर मार्क्स नहीं काटूंगा मैं बिकॉज वूफर लेजेंडरी में क्या अच्छा लग रहा है यार। स्टंबल गाइस वालों प्लीज वूफर को लेजेंडरी वाले सेक्शन में डाल दो। एंड पीछे इसने लेजेंडरी का पूरा मतलब भाई दिमाग लगा कर बनाया भाई, हाई आईक्यू। इस ड्राइंग को मैं रेट करूंगा 9 out of 10। और हाँ, आपकी ड्राइंग परफेक्ट ड्राइंग्स में आगे जा रही है। सासुके की बात करें हकदी है, बट कोई नहीं, इनके टेक्स्ट जो लिखा है इन्होंने पास में उससे काम चला लेंगे। इन्होंने वूफर बनाया है और वूफर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, इवन आई किल्ड सारुल विद माय फादर यूनिक्स। अबे भाई मेरा बच्चा होगा तो वो वूफर क्यों होगा ब्रो, आई यूज दैट स्किन इन स्टंबल गाइस, मैं उसको अपना बच्चा क्यों मानूंगा भाई। मैं अगर असली कुत्ता पेट भी ले लूं ना उसको मैं बच्चा नहीं मानूंगा, ये तो फिर भी गेम है। स्टंबल गाइस का लोगो इन्होंने बढ़िया बनाया है, मेरे वूफर से भी ज्यादा स्टंबल गाइस का इन्होंने लोगो अच्छा बनाया है। वूफर चले इन्होंने मतलब बड़ा ही फ्रीज्ड वूफर बनाया, मतलब ऐसे खड़ा है वूफर। मार्क्स दें अगर इसको हम तो 5 out of 10 इट इज, चलो टेक्स्ट के हिसाब से 6 out of 10 दे देते हैं इसको। साई का यहाँ पर ड्राइंग आ चुका है एंड वूफर को सबसे पहले देखे, बाकी सब बाद में। भाई आपका वूफर गुटका चबा रहा है, दिस लुक्स लाइक अजय देवगन का पेट। अजय देवगन जब स्टंबल गाइस खेलेगा तो यही स्किन से खेलेगा क्योंकि उसने, भाई ये गुटका क्यों चबा रहा है वूफर, इसका मुंह देखो भाई, ये क्या बनाया साई भाई आपने। चलो कोई नहीं, टेक्स्ट की तरफ ध्यान देते हैं। एंड इन्होंने ऊपर लिखा है वूफर को ऊबू वूफर बनाने से मार्क्स नहीं मिल जाते, समझा। ओके इन्होंने मेरी पूरी जर्नी बताई है जो मेरे इन गेम नेम की जर्नी है। सबसे पहले मेरा नाम था यूनिक्स 50, फिर टीओ यूनिक्स, फिर यूनिक्स लाइव अंडरस्कोर, यूनिक्स इज लाइव सीसी वाला आर, यूनिक्स इज लाइव प्रो, ये पी नूडल्स, यूनिक्स लाइव 25 के प्रो। इन्होंने एक मिस कर दिया, यूनिक्स YT प्रो, जिसके मैं मार्क्स नहीं काटूंगा क्योंकि भाई साई भाई ने जब से मुझे फॉलो करना चालू किया है उससे पहले की भी इन्होंने जर्नी कवर की है। सो या आई विल गिव हिम जर्नी के, इनको इनके क्रिएटिविटी के इनको मार्क्स देंगे हम पूरे के पूरे 7। ओके एंड ये ड्राइंग आगे जा रही है फनी ड्राइंग में। ओके चलो चिंटू की ड्राइंग पे जाते हैं। ये वूफर बड़ा स्टाइल में खड़ा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये वूफर। मतलब वूफर की बात करें, वूफर पुष्पा स्टाइल में खड़ा है, ये ना यूनिक्स का वूफर है, ना गुटका मुकेश का वूफर है, ना ही अजय देवगन का वूफर है, यह वूफर पुष्पा अल्लू अर्जुन का वूफर है, ऐसे खड़ा है भाई। इसने वूफर को एकदम टशन में खड़ा कर दिया। आई नो इसकी ये गलती है, बट इसकी गलती भी अच्छी लग रही है। आई विल रेट दिस 8 out of 10। एंड ये आगे जा रहा है परफेक्ट ड्राइंग के कंपटीशन में, ठीक है। अगली ड्राइंग आती है वुल्फ रे की। ओह माय गॉड, इन्होंने फोन में ड्राइंग बनाई है, दैट्स गुड। एंड ब्रो द परफेक्शन, पर भाई क्या परफेक्ट ड्राइंग है भाई, भाई इसमें कुछ भी मिसिंग है ही नहीं, कुछ भी भाई। भाई दिस लुक्स लाइक भाई गेम से भी अच्छा बना दिया तूने वुल्फ रे की ड्राइंग। इसको मैं रेट करूंगा भाई 9.5 out of 10। वेल प्लेड वुल्फ्रे, वेल प्लेड वुल्फ्रे की ड्राइंग आगे जा रही है परफेक्ट ड्राइंग के कॉन्टेस्ट में। मिथिक वॉरियर्स की बात करें, मिथिक वॉर, ओ ब्रो भाई अगर मिथिक वॉरियर्स ने ये सच में बनाया है ना भाई, ब्रदर दिस लुक्स ब्रो, मैं जितने वर्ड्स कहूँ इस पे कम है। मिथिक वॉरियर्स की ड्राइंग आगे जा रही है 9, इसको भी मैं दूंगा भाई, इसको 10 out of 10 देने पड़े, चलो 9.5 out of 10 दे देंगे इसको। इसकी ड्राइंग आगे जा रही है परफेक्ट ड्राइंग के कंपटीशन में। आते हैं अब विभोत्सो की ड्राइंग पे। ये वूफर नहीं, ये सांड है, और तू भाई क्या बोलूं मैं इसको यार, इसको क्या बोलूं मैं, इसकी गर्दन नहीं है, और ये वूफर इतना गुस्से में क्यों है भाई। इसमें एक हाथ हल्क का है, हल्क का, और एक हाथ एकदम हल्का है। इसी के साथ इस ड्राइंग को फनी ड्राइंग में डाल देते हैं अपन। एंड थोड़ी सी फनी तो लग रही है भाई ये। एंड इसको मैं रेट करूंगा 5 out of 10। यस अरहा प्रो की ड्राइंग एक बार फिर आती हुई। इन्होंने भी बढ़िया ड्राइंग बनाई है, कटआउट डाल दिया इन्होंने ड्राइंग का, लेकिन इट इज द क्लोज टू परफेक्ट। आई विल गिव इट 8 out of 10, अच्छी ड्राइंग है। या ये आगे जा रही है परफेक्ट ड्राइंग के कॉम्पिटिशन में। ठीक है बड़ी, हैट्स ऑफ ब्रो, हैट्स ऑफ भाई, ये क्या बना दिया इसने, इसने वूफर बनाया है, वूफर को कोई भाई, ब्रो 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 इज अ आर्टिस्ट, मतलब केके बड़ी इज अ आर्टिस्ट ब्रो। मतलब इसने टेक्स्ट भी लिखा, हेटर्स भी लाइक यूनिक्स इज नो बैड, डोंट डिजर्व सीसी, यूनिक्स भी लाइक ले गो हां मेरा, वाह बेटा मौज कर दी भाई। मेरी पीएफपी भी इसने परफेक्ट बनाई है भाई, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट। एंड कलर्स, कलर ग्रेडिंग भी इसकी बहुत बढ़िया है, नीचे यूनिक्स इज लाइव का टेक्स्ट, साइड में क्राउन, ब्रो ब्रो लिटरली मेड अ थंबनेल। वेट इसके टी-शर्ट पे क्या लिखा हुआ है, आई लव आरसीबी, बट कोई नहीं, आरसीबी को साइड में रख के इस ड्राइंग को मैं देना चाहूंगा
10 out of 10. भाई, I am a CSK fan, but this drawing deserves a raise, bro. And ये drawing आगे जा रही है. पहली ऐसी drawing है जो funny में भी जा रही है, क्योंकि उसने इसने ऊपर text में भी थोड़ा बहुत funny किया. हाथ में गूं भी रखा है भाई woofer के, ये ले गूंखा. KK buddy deserves a raise. ये perfect drawing में भी आगे जाएगी, funny drawing में भी ये आगे जाने वाली है, ठीक है. And सासुके की बात करें, सासुके ने drawing भेजी है. Oh, bro. भाई इसने चार वूफर बनाए, क्या ही सेक्सी बनाए हैं. विवुद ने, ओके ये विवुद ने बनाए हैं. एंड क्या ही भाई बढ़िया है बे. एंड ट्रोल फेस भी बनाया है, दैट आई डिडंट नोटिस ब्रो. भाई इस ड्राइंग को कैसे मना कर सकते हैं भाई. 9.5 आउट ऑफ 10 देना ही पड़ेगा विवुद की ड्राइंग को. जी हाँ, डीबी लेजेंड की ड्राइंग पे आ जाते हैं. This drawing is good. DB Legend ने woofer बनाया है अपने ही स्टाइल से, जिस तरह वो दिखता है. जी हाँ, DB Legend good. I mean, yeah. अच्छा है. मतलब दिखने में मुझे solid 8 out of 10 लगता है. ये आगे जा रहा है perfect drawing में. जी हाँ, 8 out of 10 इसको. And funniest drawing में से जो सबसे funny drawing थी, वो थी, है फोन में देखो तुम, वो direct drawing सामने आएगी तुम्हारी, ठीक है. 3, 2, 1. ये ड्रॉइंग, ये ड्रॉइंग बन चुकी है सबसे फनी ड्रॉइंग के विनर, जो कि है साई भाई, जो कि है साई की ड्रॉइंग. एंड साई भाई ने बहुत ही ज्यादा फनी ड्रॉइंग बनाई थी. मुझे ये फनी इसलिए लगी बिकॉज इसमें मतलब वो ऊपर थोड़ा गुटका चबा रहा है. भले ही इसने वो पीओवी से नहीं बनाया हो, बट इट लुक्स फनी. मतलब इनकी मिस्टेक्स भाई, ये क्या भाई, मतलब अच्छी ड्राइंग है भाई, फनी. हंसना तो आ ही जाएगा भाई तुमको. एंड साईं भाई को जाएंगे 500 जेम्स पूरे के पूरे. एंड बाकी 500 जेम्स जो कि रहेंगे परफेक्ट ड्राइंग के, वो किसके पास जाने वाले हैं वो भी आपको बता देता हूँ मैं. वो है मेरे फोन में देखना, ठीक है. 3, 2, 1. वो है ये ड्राइंग. जी हाँ, ये ड्राइंग है KK बडी की. एंड ये जीत जाती है आज के बाकी बचे हुए 500 जेम्स का गिव अवे, जो कि है सबसे परफेक्ट ड्राइंग का गिव अवे. एंड जी हाँ, साई जो कि सबसे फनीएस्ट ड्राइंग का गिव अवे जीता, एंड KK बडी जो कि सबसे परफेक्ट ड्राइंग का गिव अवे जीता है. एंड इसी के साथ आज का वीडियो हमारा खत्म होता है. लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, एंड ऐसे ही और डिफरेंट एंड यूनिक गिव अवेज के लिए सब्सक्राइब करो यूनिक्स लाइव को. एंड दैट्स इट गाइस, दैट्स इट.